पोस्टर दोस्त मनोज नाथ, एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं वीडियो लेके आया हूं ट्रू कॉलर के बारे में, ये किस तरह से काम करता है और ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मिलियंस ऑफ यूजर जो है ट्रू कॉलर के साथ जुड़े हुए हैं, और जिससे कि आपको पता लग जाता है कि कोई अननोन नंबर का भी कॉल आपके फोन पे आए तो आपको उसके बारे में जानकारी हो जाती है कि ये किसका नंबर है और ये या कोई स्पैम कॉलर है या कोई अननोन कोई भी अननोन कॉन्टेक्ट आपको कॉल करता है तो उसका नाम आ जाता है। तो ये कोई जादू से नहीं होता है दोस्तों, ये एक सिंपल फंड है। अगर आप मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो दोस्तों, जैसे कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, जैसे मैंने अपने फोन में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन डाली है और जैसे ही मेरे किसी भी अननोन नंबर का फोन आता है बट उसमें मेरे को उसका नाम शो करता है। सो ये कोई मैजिक से नहीं होता। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं लाखों लोगों ने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन डाउनलोड की है और वो इंस्टॉल करते हैं, उनका सारे के सारा जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो सिंक हो जाती है ट्रू कॉलर के सर्वर में। तो जब भी कोई एक बंदा दूसरे को कॉल करता है और वो सर्वर जब उसका ट्रू कॉलर एक्टिवेट होता है जिसके फोन पे कॉल कर रहा है, तो वो पूरे ट्रू कॉलर सर्वर में चेक करता है कि ये नंबर किसका है। सो जैसे वो नंबर चेक करके वो शो करता है उसे कि ये नंबर इस व्यक्ति का है। मगर दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरे नाम से किसी ने, तीन बंदों ने अपने नंबर सेव किया है, जैसे किसी ने मनोज किया, किसी ने मनोज यूएसए किया और किसी ने माइक किया या किसी ने और किसी नाम से किया है, तो पूरा सर्च करता है और वो सर्च करने के बाद जैसे ही उसको जो सूटेबल आंसर मिलता है वो सूटेबल आंसर वो आपको शो करता है। सूटेबल आंसर मीन्स टू से कि जो सबसे पहले मेरे को उसको मिलता है या जो रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली कॉल का जिसका नंबर होगा, जिसने आपको कॉल किया होगा, चाहे उसने मनोज यूएसए लिखा हो, माइक लिखा हो या कुछ और नाम लिखा हो, वो मोस्ट जो रिसेंटली नंबर वाला होगा वो आपको वो नाम शो करेगा। इवन दोस्तों, कहीं बहुत सारी चीजें स्पैम कॉल्स आती हैं तो उसके लिए भी वो रेड सिग्नल, रेड उसमें मैं आपको स्लाइड में जैसे दिख रहा होगा, रेड उसमें से दिखाता है कि वो ये स्पैम कॉल है, स्पैम कॉलर है, तो आप इसको अटेंड मत करिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि वो सिर्फ स्मार्टफोन्स के ही डाटा लेता है, वो नॉर्मल जो नॉर्मल फोन्स होते हैं जो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के, उनके वो नहीं डाटा, उनका नंबर नहीं शो करता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। शुरू में ऐसा होता था क्योंकि जब ट्रू कॉलर का सर्वर के बहुत सारे लोगों के पास नहीं था और बहुत सारे लोग उसका डाटा, उनके बहुत सारे लोगों का डाटा ट्रू सर्वर ट्रू कॉलर के पास नहीं था, उनके सर्वर में नहीं था, तो तब वो उस समय पे वो थोड़े उनके पास ये इतना डाटा नहीं था, इतने नंबर्स नहीं थे, तो वो नहीं करते। बट आज की डेट में वो ईच एंड सिंगल पर्सन, मतलब कि जैसे कि आपका आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग होंगे जिनका कि वो नॉर्मल फोन जो यूज करते हैं विदाउट इंटरनेट, विदाउट एंड्रॉयड आईओएस के बिना वाला, बट आपके फोन में उनका डाटा है, आपके आपके फोन में उनका नंबर है, आपके फोन में उनका नाम है। सो आपका, आपने ट्रू कॉलर ये यूज कर रहे हैं, आपका डाटा तो ट्रू कॉलर के सर्वर में है, तो वो नंबर मैच करेगा, अच्छा इस नंबर का ये नाम है, सो देन दे गोना शो। सो आज की डेट में हर उसका डाटा वो शो करता है। बट दोस्तों, अगर जो ट्रू कॉलर, कोई भी ट्रू कॉलर यूजर है, वो चाहता है कि मेरा डाटा ना शो हो, मेरा डाटा किसी को ना चाहिए, तो वो जस्ट सिंपली ट्रू कॉलर की वेबसाइट में जाएगा और उसको जाके उनको कर देगा कि सेफली मेरा डाटा शो ना करे, प्राइवेसी पॉलिसी में जाके जो भी सेटिंग्स होगी वो सेटिंग करेगा और दैट गुड टू गो। सो दोस्तों, ट्रू कॉलर बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और ये बहुत लाभकारी है। सोचा करता हूँ आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपके ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए बहुत से ज्यादा से ज्यादा, और मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद।